क्षेत्र के बिठनोली पूर्व पंचायत के भोकराहा गांव स्थित मैदान में बीसीसी भोकराहा क्रिकेट क्लब की ओर से शनिवार को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट का केनगढ़ थानाध्यक्ष नवदीप कुमार गुप्ता ने फीता काटकर उद्घाटन किया। नॉकआउट सिस्टम के तहत मैच आयोजित किया गया जिसमें ग्रामीण स्तर की 8 टीम भाग ले रहे हैं। इस दौरान थानाध्यक्ष नवदीप कुमार गुप्ता ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल आपसी एकता का परिचय देता है। खेल से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। खेल को खेल के भावनाओं के साथ खेलें। मेरी दिली तमन्ना है कि जिस प्रकार से यहाँ के युवा इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं व आगे बढ़ रहे हैं, इस राज्य एवं देश के लिए खेलें ताकि हमारे इस क्षेत्र का नाम देश दुनिया में हो। कमेटी के सदस्य कैफी ने बताया कि इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रथम विजेता को 20,000 रुपए एवं कप द्वितीय स्थान लाने वाले को 10,000 रुपए एवं कप प्रदान किया जाएगा। इस मैच के मुख्य अतिथि जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव है। मौके पर जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार यादव, छात्र परिषद प्रखंड महासचिव साहिल राज, प्रखंड उपाध्यक्ष हसन रजा, क्रिकेट क्लब कमेटी के नफीस आलम, सोनू आलम के साथ सैकड़ों युवा उपस्थित थे। वहीं इस क्रिकेट को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे हैं। क्रिकेट का जो आयोजन हो रहा है इसमें जन अधिकार पार्टी भी इसमें शरीक हो रहे हैं, क्या कहेंगे युवाओं को जो इस खेल को कर रहे हैं और आगे उनको भविष्य के लिए क्या क्या बताएंगे? देखिए, आज बीसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट भोकराहा की तरफ से आयोजन किया गया है जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि में थाना प्रभारी नवदीप गुप्ता सर जी उद्घाटन किए मैच के। उसके बाद कल जो वितरण में है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाप सुप्रीमो श्री पप्पू यादव जी मौजूद रहेंगे 5 मिनट के लिए। और हम युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि संयम से खेले और मैच को मैच तरह खेले और निपक्ष हो, अच्छा से खेले। खेल में और क्या उपलब्धियां करे जो युवा आगे जाए और क्या खेल की जो नीति है उसमें कमी है इस क्षेत्र में? यहाँ पर पिचिंग का क्या उतना व्यवस्था है जो मापदंड? नहीं नहीं, उतना व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह खेलते रहेंगे तो आगे कुछ अच्छा होगा और युवाओं को अच्छा सीख मिलेगा इससे और बेहतर आगे बेहतर होगा। जन अधिकार पार्टी प्रखंड अध्यक्ष छात्र परिषद के नगर। यहाँ पे T10 ब्लास्ट क्रिकेट का कार्यक्रम है, समझे, 8 टीमों का है और एक दिन में टोटल लीग करा दिया जाएगा, 4 लीग, और 4 फरवरी को जो है सेमीफाइनल और फाइनल करवाया जाएगा। ये 3 फरवरी से लेकर के 4 फरवरी तक। पहला दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा? पहला दिन टोटल लीग हो जाएगा, मतलब 8 टीमों का है तो 4 लीग होगा हमारा और उसमें से जो है 4 जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा, जिसका कल 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल करवाया जाएगा। ये इसमें टीम है बाईसी है, परोड़ा है, बनभाग है, हमारा के नगर है, हमारा कमेटी टीम भी है एक। और सब इसमें नॉकआउट सिस्टम का है, जैसे कि जो जो टीम एक मैच हार जाएगी वो बाहर हो जाएगी, जो एक जीत जाएगी वो सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। 10 ओवर का T10 है। इसमें जो जीतेंगे, जो द्वितीय रहेंगे, क्या प्राइज उनको दिया जा रहा है? इसका फर्स्ट प्राइज जो विनिंग प्राइज है हमारा वो 20,000 है, उसके साथ कप है, कप से सम्मानित किया जाएगा उसके साथ, और जो रनर होगा उसको 10,000 रुपये और उसके साथ कप। ये खेल किसके सौजन्य से कराया जा रहा है? इसमें हमारे मुख्य अतिथि हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, जिनको हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया है, वो कल आएंगे 5 मिनट के लिए और वितरित करेंगे। क्या परिचय? मेरा परिचय, मैं मोहम्मद कैफ, भोकराहा।